शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काबिल कदर काबिल एहतराम नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको अपनी ही लिखी हुई इंग्लिश ग्रामर फॉर लाइफ का चैप्टर 31 का एक टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ये आप गौर से ज़रा देखें। दूसरा पेज भी देख लें। अब हम चलते हैं, इसी की फोटोकॉपी मौजूद है, देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। उर्दू फिक्र के आखिर में गा गेगी आता है, पहले मैं थोड़ा सा जल्दी इसको बताता हूँ, फिर मैं इसका रिव्यू करूंगा। उर्दू फिक्र के आखिर में गा गेगी, मसलन वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल वर्क की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। अगर फिक्र सवालिया बनाना हो तो विल या शैल को फिक्र के शुरू में ले जाए, अगर हमें क्वेश्चन मार्क लगा दे। अगर फिक्र मनफी बनाना है तो विल या शैल के बाद नॉट लगा के आखिर में फुल स्टॉप लगा दें, तो इस तरह आपका फिक्र जो है वो बन जाएगा। इसमें आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी फिक्रों के आई और बाकी तमाम जो सब्जेक्ट हैं फाइल हैं उनके साथ विल लगता है। लेकिन अगर वादा इरादा धमकी या नसीहत हो तो फिर विल की जगह शैल और शैल की जगह विल लगता है। इस टेंस के अंदर आमतौर पर दो कामों का जिक्र होता है, यानी अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इसमें दो दफ़ा गा गेगी आ गया, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। ये मैं देखता हूँ कि मेरी किताब में क्या कुछ लिखा है। मसलन मैं दोबारा आपको बताता हूँ, रिपीट करता हूँ अपने लेक्चर को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहले इसकी शनाख्त करेंगे। उर्दू फिक्र के आखिर में गा गेगी आता है, मसलन वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, आई शैल गो टू स्कूल। बनावट फिक्रा किस तरह से बनाने, पहले सब्जेक्ट उसके बाद विल या शैल वर्क की पहली फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी यानी अंग्रेजी का फिक्रा बनाने के लिए पहले फाइल फिर विल या शैल उसके बाद वर्क की पहली फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अगर फाइल आई या वी हो तो उसके साथ शैल लगता है। मसलन मैं ये किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड अ बुक, मैं हम अपने वालिदैन का कहा मानेंगे, वी शैल ओबे आवर पेरेंट्स। कायदा नम अगर आई और वी के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स यानी फाइल के साथ विल लगता है। आप हॉकी खेलेंगे, यू विल प्ले हॉकी, कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो, वो स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल। अगर फिक्रे के अंदर कोई हुक्म धमकी मजबूरी वादा पाबंदी पुख्ता इरादा को जाहिर किया जाए तो हम शैल की बजाय विल और विल की जगह शैल इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप देखें, मैंने चंद फिक्रे लिखे हैं, तो मैं ये किताब जरूर पढ़ूंगा, इसमें मैंने इरादा जाहिर किया, जोर दिया है, आई विल रीड दिस बुक, हम जरूर लाहौर जाएंगे, इसमें भी मेरा इरादा है, मैंने जोर दे दिया, वी विल गो टू लाहौर, हालांकि वो शैल आना चाहिए था, हम गरीबों की जरूर मदद करेंगे, ताकीद है, वो दे शैल हेल्प द पुअर, दे के साथ विल आना चाहिए। लेकिन जब यहाँ ताकीद कर दिए, तुम अपने बड़ों की इज्जत करोगे, नसीहत है यहाँ, यू शैल रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो कहते नंबर पांच है, अगर फिक्रे में दो दफा गागेगी आ जाए तो फिक्रे के दो हिस्से होंगे, जो काम पहले होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और जो काम बाद में होगा उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। मसलन जैसे मैंने अगर वो मेरे पास आएगा तो उसे किताब दूंगा, इफ ही कम्स टू मी आई शैल गिव हिम अ बुक, जब मेरा अबू जान लाहौर जाएंगे तो मेरे लिए नई कार खरीद के लाएंगे, व्हेन माय फादर गोज टू लाहौर ही विल ब्रिंग अ न्यू कार फॉर मी। इसमें सवाल मर्फी का आसान तरीका है, अगर सवाल बनाना है तो विल या शैल को शुरू में लगा के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दे, मनफी बनाना तो विल शैल के बाद नॉट लगा दे, आसान है। इस तरह मेरी ग्रामर के अंदर अगर आप देखें तो काफी सारे मैंने फिक्रे भी लिख दिए हैं, वो आप देख सकते हैं, तकरीबन 18-20 फिक्रे इसके सादा हैं, 18-20 फिक्रे इसके सवालिया हैं, 18-20 फिक्रे इसके मनफी हैं। तो जो सादा 20 फिक्रे हैं ये 25 है, उसको फिर आप सवाल मनफी में बदल सके, उन्हीं फिक्रों के हल किए कराए हैं, कोई आपको हल नहीं करना पड़ेगा। और फिर इस तरह को 54 के करीब तकरीबन आपके बन जाएंगे। फिर जो मैंने नेगेटिव बनाए हुए हैं 20-25 के करीब, उसको फिर आप नेगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर दें, या फिर उसको क्वेश्चन में कर सकते हैं, डबल क्वेश्चन मार्क में भी, डबल सवाल फिक्र में भी लिख सकते हैं। इस तरह 150-200 फिक्रे तकरीबन हर शुद्ध आपको मिल जाएंगे। ये आसान तरीन ग्रामर, और देखो मैंने आसान वही ऐसा आसान कर दिया है कि आप तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान तरीन तरीके और आसान तरीन कुलिये मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं। और ये मैंने भावनगर के इलाके को मद्देनजर रखते हुए और पाकिस्तान के वो दूर दराज देहाती इलाकों को मद्देनजर रखते हुए, जहां माहिर इंग्लिश के जो टीचर्स हैं प्रोफेसर हैं नहीं पहुंच सकते, तो वो ये मेरी ग्रामर जो है उसको खरीदें। यहाँ मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, ये 0337111613 पर आप कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। रात 9 से 10 बजे आप मुझे कॉल करें तो आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें, मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी आसान तरीन जुबान, ये मुश्किल नहीं है, आपने वैसे इसको मुश्किल समझा हुआ है, तो मैं आपकी हर तरह से मदद कर सकता हूँ।
आप ये किताब मंगवा लें, इसका छापे खाने का खर्चा और डाक का खर्चा ये आपसे वसूल किया जाएगा, ज़्यादा पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। और इंशाल्लाह ये आप किताब पढ़ेंगे तो याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाई जा रही है और ये आसान तरीन ज़ुबान में लिखी हुई किताब है। अस्सलामु अलैकुम।